में कितने राष्ट्रीय दल हैं? क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल कब बन जाते हैं? राष्ट्रीय दल बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? राष्ट्रीय दलों की स्थापना कब कहाँ हुई? इसके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रीय दलों के चुनाव चिन्ह क्या क्या है एवं इस राष्ट्रीय दलों के वर्तमान अध्यक्ष कौन कौन है? भारतीय जनता पार्टी के अभी तक कौन कौन से अध्यक्ष बने? उनका समय अवधि कब से कब तक रहा? इन सब बातों को इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं अनुपम आलोक और आप देख रहे हैं अनुपम ज्ञान। आपसे आग्रह है कि अभी तक मेरे चैनल अनुपम ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे इसी तरह के ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जहाँ राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों ही दल हैं। भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। नंबर 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ई, नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी, नंबर 3 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नंबर 4 बहुजन समाजवादी पार्टी, नंबर 5 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, नंबर 6 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, नंबर 7 सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस तथा नंबर 8 नेशनल पीपुल्स पार्टी। क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल तब बनते हैं जब चुनाव आयोग के निम्न 2 शर्तों को पूरा करते हैं। नंबर 1 वह विधानसभा चुनाव में 3.33 अनुपात मत अथवा सीटें सुनिश्चित करते हों। नंबर 2 वह 4 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 4 अनुपात मत अथवा सीटें सुनिश्चित करते हों। राष्ट्रीय दलों की अखिल भारतीय दल भी कहा जा सकता है। उनके कार्यक्रमों, नीतियों, विचारधाराओं और रणनीतियों में राष्ट्रीय मुद्दों पर जोर रहता है। संगठनात्मक ढांचों को कायम रखने और चुनाव लड़ने के लिहाज से वे देश के अधिकांश भागों में अपना अस्तित्व रखता है। आइए अब जानते हैं किस राष्ट्रीय दल की स्थापना कब हुई, उसके संस्थापक कौन थे, उसके चुनाव चिन्ह क्या हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष कौन हैं। नंबर 1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ई, स्थापना वर्ष 28 दिसंबर 1885 मुंबई में, संस्थापक ए ओ ह्यूम एवं दादा भाई नौरोजी, चुनाव चिन्ह हाथ छाप, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी। नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी, स्थापना वर्ष 6 अप्रैल 1980 नई दिल्ली में, संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी, चुनाव चिन्ह कमल, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नंबर 3 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्थापना वर्ष 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में, संस्थापक मानवेंद्र नाथ राय, चुनाव चिन्ह हंसुआ और गेहूं की बाली, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डी राजा। नंबर 4 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, स्थापना वर्ष 7 नवंबर 1964 को नई दिल्ली में, संस्थापक इंजीनियर MS नंबूदरीपाद, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत, चुनाव चिन्ह हंसुआ हथौरा, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम येचुरी। नंबर 5 बहुजन समाज पार्टी, स्थापना वर्ष 14 अप्रैल 1984 लखनऊ में, संस्थापक काशीराम, चुनाव चिन्ह हाथी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती। नंबर 6 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रकपा, स्थापना वर्ष 10 जून 1999 मुंबई महाराष्ट्र में, संस्थापक शरद पवार, PS संगमा, तारिक अनवर, चुनाव चिन्ह दीवाल घड़ी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार। नंबर 7 सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1998 कोलकाता में, संस्थापक ममता बनर्जी, चुनाव चिन्ह फूल पत्ती, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी। तथा नंबर 8 नेशनल पीपुल्स पार्टी, स्थापना वर्ष 6 जनवरी 2013 मेघालय में, संस्थापक PA संगमा, चुनाव चिन्ह किताब, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाड संगमा। आइए अब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन से बने हैं तथा उनका समय काल क्या है। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1986 तक। नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी 1986 से 1991 तक। नंबर 3 मुरली मनोहर जोशी 1991 से 1993 तक। नंबर 4 फिर लाल कृष्ण आडवाणी 1993 से 1998 तक।
नंबर 5 कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक। नंबर 6 बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001। नंबर 7 जन कृष्णमूर्ति 2001 से 2002 तक। नंबर 8 वेंकैया नायडू 2002 से 2004। तीसरी बार नंबर 9 पर लाल कृष्ण आडवाणी 2004 से 2006 तक। नंबर 10 पर राजनाथ सिंह 2006 से 2009 तक। नंबर 11 नितिन गडकरी 2009 से 2013 तक। नंबर 12 राजनाथ सिंह फिर दोबारा 2013 से 2014 तक। नंबर 13 अमित शाह 2014 से 2020 तक। और नंबर 14 जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा 2020 से अभी तक। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और आगे शेयर भी करें। धन्यवाद।